सिर्फ आप देख सकते हो कि मोरों की आवाज तो आ रही है। और कहते हैं ना कि जिस तरीके से ये लोग काली नदी के कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, वीडियोस में जो काली नदी से संबंधित देखा है, तो ऐसी ही कोई ये देखो कितने प्यारी साउंड है। ऐसी ऐसी जगहों को जो है ये लोग जो है हॉन्टेड बना देते हैं। फिलहाल मेरा एक मित्र मेरे साथ में आया हुआ संजय भाई अपने, और मैं दरअसल ये कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ सीधे नदी के पास। और ये मेरे पास दोस्तों नमस्कार, और मैं आपको एक जानकारी देता हूं। मैं आज एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं जहां पर मेरे आसपास फ़िलहाल सिर्फ आप देख सकते हो कि मोरों की आवाज़ तो आ रही है। और कहते हैं ना कि जिस तरीके से ये लोग काली नदी के कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, तो ऐसी ही एक काली नदी के पास मैं भी आया हूं। और सेम कुछ ऐसी ही लोकेशन है जहां पर जो आपने अब तक YouTube में कई लोगों के वीडियोस में जो काली नदी से संबंधित देखा है, तो ऐसी ही कोई ये देखो मोर देखे कितने मतलब प्यारी साउंड है। ऐसी ऐसी जगहों को जो है ये लोग जो है हॉन्टेड बना देते हैं। तो फिलहाल मैं आपको भी एक हॉन्टेड ही लोकेशन समझ लो अब इसको आप। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मैं 360 एंगल से भी जो है आपको जो है पूरा ये दिखा रहा हूं। मेरा एक मित्र मेरे साथ में आया हुआ है संजय भाई अपने, और मैं दरअसल ये कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं बस एक छोटी सी मतलब क्लिप आप लोगों को तैयार करके दिखा रहा हूँ कि देखिए मैं सीधे नदी के पास यहाँ पर आ गया हूँ। और ये मेरे पास ये देखिए आप देख सकते हो ये मेरे पास जो है ये नदी बह रही है, तो ये भी एक काली नदी कहलाती है यहाँ पर, ठीक है ना। और एक ज़माने पहले इसका पानी जो था वो बहुत ही स्वच्छ था, बहुत ही शीतल था, लेकिन आज की डेट में अब तो गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान देने लगी है, वरना अभी कुछ दिन पहले तक कुछ समय पहले तक ये बहुत काली हो चुकी थी, गन्ना नाला बन चुकी थी। और इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल है और कुछ भी नहीं है। तो ऊपर चढ़ते हैं एक मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा उद्देश्य अभी यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ आया था किसी काम से। तो ये एक गांव है, ठीक है, और गांव भी नहीं कह सकते हैं, गांव से भी बहुत दूर आ गया हूँ मैं। गांव तो आया था मैं, पर गांव से काफ़ी आगे निकल आया हूँ और ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर मेरे को लगा कि यार ये एक ऐसी लोकेशन है जिस जगह पर जा करके कुछ हमारे मित्रगण हॉन्टेड बता दिया करते हैं। आपको एक और बताऊं भैया, हाँ ये कुछ हमारे भैया बोलना चाहते हैं, कथाएं भी प्रचलित हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग रुके भी दोनों लोग, कुछ कहानियां तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं, बस उसी को मिथ्या को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं बस। तो ये हमारे भाई का कहना बिल्कुल सही है, और जहाँ तक कि आप लोग जानते हो कि मेरा भी काम भाई मिथ्या तोड़ने का है। तो फिलहाल मोर है और कुछ नहीं है, चोर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसको दिखाइए। और अभी मैं आपको सिर्फ नॉर्मली ये कोई वीडियो नहीं है मेरा, मैं यहाँ पर आपकी दरअसल इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपसे यही राय और मशवरा लेना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को यहाँ का मेरे द्वारा नाइट शूट चाहिए। अगर चाहिए तो मुझे जो है कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं यहाँ पर रात को आ करके आप लोगों के लिए शूट कर सकूँ। मेरे पीछे सिर्फ नदी है, वो काली नदी, और ये एक और यहाँ से जो है जंगल चालू हो जाता है, ये सीधे रास्ता जो है अंदर को जंगल को गया हुआ है, देख सकते हो आप मेरे पीछे टोटल। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जंगल है। तो फिलहाल ये जंगल बहुत अंदर, यहाँ पर जाने का मैं प्रयत्न फिलहाल कर नहीं सकता हूँ, फिर भी ट्राई करता हूँ, अगर भाई हमको ले जाएंगे तो मैं अंदर जाने का भी प्रयास करता हूँ। और नहीं नहीं बिल्कुल चलिए, मैं तो अच्छा ये चलने को राजी हैं, तो मुझे अंदर ले जा रहे हैं, तो मैं देखता हूं। यहां पर लोगों को एक डरा कर रखा गया है, कम से कम उस चीज को खत्म किया जाए। लोकेशन है ये, देख सकते हो आप। और मेरे पास अभी इतने सारे इक्विपमेंट नहीं है और अभी कुछ व्यवस्था, अभी कैमरा वगैरह नहीं, तो मैं मोबाइल से। आप मोर की आवाज़ काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुहावनी और काफ़ी जो है मेलोडियस वॉइस है मोर की,
तो यहाँ से भाई जी किधर चलना है हमको, जंगल के अंदर किधर से रास्ता है भाई? ये देखिए आप देख सकते हो दूर दूर तक ये केवल जंगल ही है अंदर, और अभी अंदर चलते हैं। कांटे पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा घूम के चलना पड़ेगा आपको, मानो आप और ना भी मानो, क्योंकि यहाँ पर तो जो है एक बिल्कुल सुनसान एरिया है। और फिर अगर आप लोग कमेंट करके मेरे को बताओगे तो मैं यहाँ पर एक बार नाइट में आने का प्रयत्न जरूर करूँगा। फिलहाल रात में अब तक मैं कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि नंदन जी आप रात का आप भी जो है एक व्लॉग अपना शूट करो। तो बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि रात में आप लोगों के लिए कहीं यार निकल सकूँ। तो अभी फ़िलहाल जो हमारे आसपास के एरिए जो भी हो सकते हैं वो कवर करने का प्रयत्न करेंगे हम, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो फिर तो कहाँ से भाई अंदर हम लोगों को किधर से चलना है? थोड़ा सा दूर पैदल चल के चलना पड़ेगा। अच्छा पैदल चल के चलना है, तो हम यहाँ पर इसको जो है इसको पॉज कर देते हैं अपने वीडियो को, फिर वहाँ पर पहुँच करके आपको जो है दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हो कि मोरों की आवाज़ तो आ रही है, और कहते हैं ना कि जिस तरीके से ये लोग काली नदी के कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, वीडियोस में जो काली नदी से संबंधित देखा है, ऐसी ही कोई, ये देखो मतलब प्यारी साउंड है, ऐसी है।